वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। लड़ी वार चलदे इतिहास दे विच अज आपां गल करांगे शहीद तिन प्यारिआं दे बारे। चमकौर साहिब की जंग गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी के जीवन की चौथी वड्डी लड़ाई सी, जो 22 दसंबर 1704 ईस्वी नूं लड़ी गई। इस तों पहलां दीआं वड्डीआं लड़ाइयां जंग भंगाणी, जंग आनंदपुर अते जंग सरसा नदी हन। पर इस चौथी जंग की खास महानता इस करके है कि इस दे विच बहुत सारिया हस्तियां शहीद हो गई सन। तो गुरु गोबिंद सिंह जी के दोनों वड्डे साहबजादे बाबा अजीत सिंह जी ते बाबा जुझार सिंह जी, भाई संत जी, जिन्हों का मुहांदरा गुरु साहब जी ने मिलता जुलता सी, ये भी इस लड़ाई के शहीद हो गए सन। जंग चमकौर के उगे शहीदों के तीन प्यारे भी सन। विसाखी वाले दिन 1699 ईस्वी में गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने आनंदपुर साहब के खालसा पंथ की स्थापना के समय पांच सिरां की भेट मंगी सी, ते जो पांच हस्तियां आपावार दे लई नित्रियां सन वो पांच प्यारे खवाए सन। अते उन्हां दे नां भाई दया सिंह जी, भाई धर्म सिंह जी, भाई साहिब सिंह जी, भाई हिम सिंह जी अते भाई मोहकम सिंह जी सन। इन्हां पंजां तों ही गुरु गोबिंद सिंह जी ने आप अमृत छकिया सी, अगों अमृत की दात चलाई सी। जदों गुरु गोबिंद सिंह जी ने आनंदपुर साहब का किला छड्डे तां पंजे हजूर नाल ही सन। सरसा नदी ते दुश्मनां ने अपनियां खाधियां होईयां कसमां तोड़ के हमला कर दिता अते भयानक युद्ध होया। इस युद्ध के पिछों गुरु गोबिंद सिंह जी का परिवार निखड़ गया ते कुछ सिंह वड्डे साहबजादे अते पंज प्यारे गुरु साहब जी दे नाल चमकौर पहुँच गए, जिथे एक हवेली दे विच उतारा कीता सी। शाही फौज भारी गिणती दे विच पिछा करदी जो चमकौर साहब नूं घेरा पा लिया तो पिंड दे लोकां तों पता लगा कि गुरु साहब जी नाल बहुत थोड़े आदमी हन। इस नाल शाही फौज का हौसला वधिया अते उन्हां तेजी नाल हमला किया। हवेली दे अंदरों तीरां दी जबरदस्त वर्खा हुई ते जिस दे नाल शाही फौज अते पहाड़ी राजां दी फौज दे अनेक आदमी मरे गए। शाही फौज बहुत नेड़े आई तां घेरा वधेरा सख्त हो गया। तां गुरु जी तों आग्या लै के भाई मोहकम सिंह जी, जो कि द्वारका दे पुराने वासी छींबा जाति दे विच्चों सन, बाहर निकले अते बिजली दी तरां दुश्मनां ते टुट पए। उस जमाने दे विच किसे नूं यकीन नहीं सी आ रिहा कि छींबे वी युद्ध दे विच बहादरी नाल लड़ सकणगे। पर गुरु साहिब जी दी संगत आपा वारन दे पिछों पंज प्यारिआं विच शामिल हो के भाई मोहकम सिंह जी ने भी वह वीरता प्राप्त कर ली, जिस दा प्रगटावा चमकौर साहिब दे समय होया। 1,25,000 नाल इक सिंह दे युद्ध करन दी ललकार नूं अमली तौर ते युद्ध विच साबित किया। भाई मोहकम सिंह नूं घेरन अते घोड़े तों सुट्टण दे लई सारे फौजां दे उपराले कीते, पर आप कदे पूर्व कदे पछम दे विच पहुँच के आहू लाउंदे रहे। किन्ने बंदे आप जी दी तलवार दे नाल खत्म होए यह गिणती दसनी बड़ी मुश्किल है। पूरा एक पहर अथवा 3 घंटे कल्ले भाई मोहकम सिंह जी ने कमाल की लड़ाई की, वैरियां नूं ना केवल ठल पाई ते सगो उसदे छक्के भी छुड़ा दिते। अखीर आप शहीद हो गए। जब भाई मोहकम सिंह जी शहीद हो गए तो आप दे साथी भाई हिम सिंह जी ने गुरु साहब जी तो आशीर्वाद लेके बाहर निकले। भाई हिम सिंह जी गुरु घर दे विच आउण तों पहलां जगन्नाथ दे रहिण वाले सन अते अकौती जात वंड अनुसार नीवीं जात झिंबर खवाउंदे सन, पर गुरु घर नाल जुड़ के वह भी समाज का नरोआ अंग बन गए सन अते आप ते अपने आप नूं कुरबानी दे लई पेश करके सिखां विच सत्कारयोग अते माणयोग थां प्राप्त कर ली सी। यही भाई हिम सिंह जी जद चमकौर साहिब विच जकारा छड के निकले तां दुश्मनां दीआं फौजां नूं भाजड़ पै गई। अखां दे झमकण तों पहलां ही भाई साहिब सिंह ने कईआं दे सिर धड़ तों वख कर दित्ते। आपने बड़ी दलेरी दे नाल कई घंटे मुकाबला कीता ते अखीर शहीदी प्राप्त कर गए। डॉक्टर गंडा सिंह अते प्रिंसीपल तेजा सिंह जी ने भी शार्ट हिस्टरी ऑफ सिक्स दे विच जंग चमकौर दा जिक्र करदे लिखिआ है कि उत्थे दोहां साहिबजादिआं दे नाल नाल तिन प्यारे भी शहीद होए सन। उन्हां ने तिन प्यारिआं दे नां नहीं दित्ते। भाई संतोख जी ने यह एक थां ते लिखिआ है कि पंज प्यारिआं इस लड़ाई दे विच शहीद हो गए सन। जद गुरु गोबिंद सिंह जी ने चमकौर साहब नूं छड्डिआ तां भाई संत सिंह जी ते भाई संघ सिंह जी नूं भी उत्थे ही रहिण दित्ता गिआ अते बाकी भाई दया सिंह, भाई धर्म सिंह अते भाई मान सिंह नूं लै के गुरु जी चल पए। इत्थों सिद्ध हुंदा कि चमकौर दे युद्ध तों पहलां दो प्यारे नाल रहि गए सी अते बाकी तिन प्यारे भाई मोहकम सिंह,
ਭਾਈ ਹਿੰਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਇਸ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਨ ਜੋ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਕਲੇ ਅਤੇ ਭਾਈ ਹਿੰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਨਿਕਲੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਬੜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਹਿੰਮ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਤਿੰਨ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਹੈ।